एवरीवन, आज हम लोग इस पार्ट में कवर करेंगे सेक्शन 70 और सेक्शन 71 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तो सेक्शन 70 कहता है एक्सेशन टू मॉर्गेज प्रॉपर्टी, ठीक है, यानी कि एक्सेशन से यहाँ पे मतलब है कि इंक्रीज इन मॉर्गेज प्रॉपर्टी। इसमें कहा गया है इफ आफ्टर द डेट ऑफ द मॉर्गेज एनी एक्सेशन इज मेड टू द मॉर्गेज प्रॉपर्टी, द मॉर्गेजी इन द एब्सेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रेरी सेल फॉर द पर्पज ऑफ द सिक्योरिटी बी एंटाइटल्ड टू सच एक्सेशन। तो इसमें कहा गया है कि जो अगर किसी भी तरीके का इंक्रीज होता है उस प्रॉपर्टी में, तो जो मॉर्गेजी रहेगा वो यहाँ पे एंटाइटल रहेगा, जितना भी इंक्रीज हुआ है उस लैंड में, उस प्रॉपर्टी का जितना भी इंक्रीज हुआ है उसके लिए वो यहाँ पे एंटाइटल रहेगा। बट इसमें कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कोई टर्म नहीं होना चाहिए जो कि उसको यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट कर रहा हो कि आप यहाँ पे नहीं ले सकते, यहाँ पे कोई भी इंक्रीज होता आप यहाँ पे नहीं ले सकते। अगर ऐसा कोई टर्म नहीं है उस कॉन्ट्रैक्ट में, तो इस केस में जो मॉर्गेजी रहेगा वो यहाँ पर जितना भी बढ़ा उस लैंड, यानी कि जो भी एक्सेशन हुआ, जो भी इंक्रीज इन लैंड हुआ, उसके लिए उसको वो मिलेगा, यानी कि मॉर्गेजी के पास वो प्रॉपर्टी भी एज ए सिक्योरिटी रहेगा। ठीक है, अब इसमें 71, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दे ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। अब इसमें सेक्शन 71 कहता है रिन्यूअल ऑफ मॉर्गेज लीज, ठीक है, तो यहाँ पे रिन्यूअल से रिलेटेड कहा गया है कि जो रिन्यूअल होता है लीज का, तो इसमें कहा गया है कि इसमें कहा है व्हेन द मॉर्गेज प्रॉपर्टी इज अ लीज एंड द मॉर्गेजर ऑब्टेन्स अ रिन्यूअल ऑफ लीज, द मॉर्गेजी इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रेरी सेल फॉर द पर्पज ऑफ सिक्योरिटी बी एंटाइटल्ड टू द न्यू लीज। तो इसमें कहा गया है कि अगर जो भी मॉर्गेज प्रॉपर्टी है, अगर उसका कोई लीज का रिन्यूअल होता है वो जो कि मॉर्गेजर कराता है, तो इसमें कहा गया है कि जो मॉर्गेजी रहेगा ही विल बी एंटाइटल्ड टू दैट न्यू लीज एंड ही विल कीप दैट लीज एज ए सिक्योरिटी, यानी कि वो जो भी सिक्योरिटी रहेगा, वो जो भी मतलब जो लीज रहे, जो नया उसने जो रिन्यूअल कराया, यानी कि मॉर्गेजर ने जो रिन्यूअल कराया लीज का, उसको मतलब वो जो नया जो लीज अब नया हो गया, लीज नया हो गया, तो अब उसके लिए भी मॉर्गेजी जो है वो एंटाइटल रहेगा कि वो उसको एज ए सिक्योरिटी रखे रहे, ठीक है, वो जो नया जो भी उसने रिन्यूअल कराया उसको यहाँ पे एज ए सिक्योरिटी वो रखे, बस इसमें यही है। अगर आपको फिर भी किसी भी तरीके का डाउट रहता है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं उसका जल्द से जल्द रिप्लाई दूंगा। थैंक यू।